9.6 में हमारी लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है। 9.5 में हमने होमोजीनियस पढ़ लिया था, ठीक है। अब 9.6 में बताया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है, ठीक है। तो लीनियर देखने के लिए एक फॉर्म है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि एक्स की पावर वाई वन है, ठीक है, या वाई की पावर वन है। यहाँ पर लीनियर का मतलब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखना, लीनियर इसे माना जाता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स, ध्यान रखना यहां पर एक्स की बजाय अगर हम बोले कि फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू क्यू, इक्वल टू क्यू। जनरली ध्यान रखना यहां पर जो फंक्शन होता है उसको बोला जाता है, इस फंक्शन को जनरली बोला जाता है पी इक्वल टू क्यू। ये होती है मीन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में। आप देखो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो लीनियर है। अभी समझ में आया, अभी अजीब से लग रहा होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक इक्वेशन लिखी हुई है डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस 3xy इक्वल टू 5x2x। तो मुझे बताओ कंपेयर करने पर इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, देखो कितना आसान है। बताओ यहाँ पर dy अपॉन में dx दिख रहा है, और ये भी क्या है dy अपॉन में dx, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y के साथ वाला यहाँ पर देखो, y के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा p। यहाँ पर देखो y के साथ वाला क्या दिख रहा है 3x, पूरा लेंगे और साइन के साथ लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। फिलहाल यहाँ पर y के साथ क्या दिख रहा है 3x, वो भी प्लस का, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। अब इधर देखते हैं इक्वल टू के इधर वाला जो भी बचता है वो सारा q होता है, तो तुम देख सकते हो ये 5sec2x हमारा क्या माना जाएगा q, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो वो लीनियर होती है, ठीक है। अगर एक बार पता चल जाए कि इक्वेशन लीनियर है तो लीनियर के बाद तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। कौन सा फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, जिसको मैं जनरली बोलूंगा देखो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इसको मैं शॉर्ट में बोले करूंगा आई एफ। अब तुम्हें हर बार क्या निकालना है आई एफ, और आई एफ निकालना आसान है। देखो आई एफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन टी डी एक्स। देखो ई की पावर लगा देनी है, और पावर लगानी क्या है पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, जो भी यहाँ पर पी लिखा हुआ होगा ना उसका तुम्हें यहाँ पर क्या कर देना है इंटीग्रेशन। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर p क्या बता रखा है 3x, देखो तुम कंपेयर करने पर बता सकते हो ना यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी 3x। अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पर e की पावर p की वैल्यू डाल दें तो ऐसा कुछ मिलेगा ना। अब हम 3x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हो जाएगा, ठीक है। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए फिर उससे आगे कैसे सॉल्व करते हैं आगे बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिलहाल लीनियर फॉर्म नोट कर लो, हाँ, इंटीग्रेटिंग फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला और निकाल लो आई एफ का, आई एफ का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1। तो देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन।
पहली डिफरेंशियल इक्वेशन की है dy अपॉन में dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, इक्वल टू हमें क्या दे रखा है साइन एक्स, ठीक है। अब लिखना, देखो लिखना, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें पता है कि dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आप देखो तुम कंपेयर करोगे ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें पी और क्यू की वैल्यू मिल भी होगी। देखो वाई के साथ जो लिखा होता है वो पी होता है, यहाँ पर वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई के साथ लिखा हुआ है टू, इक्वल टू के साइड जो लिखा हुआ होता है वो हमारा क्यू होता है, वहां पर इक्वल टू के साइड में क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या है साइन एक्स है। देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, वाई के साथ जो लिखा हुआ होता है वो होता है पी, ऊपर वाई के साथ क्या लिखा हुआ है टू, तो पी की वैल्यू टू, क्यू इक्वल टू के इधर वाला पार्ट होता है क्यू, उधर इक्वल टू के इधर वाला पार्ट क्या है साइन एक्स, तो क्यू की वैल्यू साइन एक्स होगी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत आसान है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, p की वैल्यू तुम्हें मालूम है, dx ना, तो बताओ 2 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बनेगा ना e की पावर 2x, e की पावर 2x ये तो बनेगा, 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसके साथ क्या लग जाता है x लग जाता है, तो 2 के साथ x लग गया। आप देखो सॉल्यूशन करना कैसे है, यहां तक तो हो गया पुराना काम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन ऐसे करना है, वी हैव करके करना, वी हैव डाल दे करो फिर लिखे करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, प्लस सी। देखो फिर से रिपीट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई के साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू के साथ, लेकिन ध्यान रखना इंटीग्रेशन कब करते हैं क्यू वाले के साथ, तो देखो इंटीग्रेशन का साइन क्यू वाले के साथ लगा रखा है प्लस सी। अब इंटीग्रेशन की बात, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, आईएफ की वैल्यू निकाल रखी है e की पावर 2x, यहां पर वैल्यू आएगी e की पावर 2x, y का कुछ नहीं हुआ, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x, हां q की वैल्यू भी आ जाएगी, क्वेश्चन में देख के बताओ q की वैल्यू ये थी ना sin x, q की वैल्यू sin x थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, हमने सी पहले से लगा रखा है सारे क्वेश्चन में, हमने सी की वैल्यू को पहले से ही लेकर चल रखा है, अब तो बस इंटीग्रेशन करना है। और तुम्हें मालूम है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करते हैं इंटीग्रेशन में, आई रेट, तो आई रेट लगाएंगे। और देखो आई रेट के लिए फर्स्ट फंक्शन फंक्शन सोचना है बस हमें, तो आई रेट का फॉर्मूला मैं इंडिकेट कर देता हूँ आई रेट, तो देखो पहला वो कहता है इनवर्स, इनवर्स कोई है नहीं, दूसरा कहता है लोगारिथम, लोगारिथम भी नहीं है, फिर कहता है एलजेब्रा, एलजेब्रा भी नहीं है, फिर कहता है ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये होंगे फर्स्ट फंक्शन, तो e की पावर 2x को ऐसे लिख दो y ऐसे, हाँ यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, देखो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x का होता है 2x और 2x से के डेरिवेटिव से डिवाइड भी देना है, अपॉन में भी 2 आ गया माइनस, पहले वाले का डेरिवेटिव साइन का हो गया कोस, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का, तो देखो 2x हो गया, जो अपॉन का 2 आएगा मैं उसे हाफ किया बाहर कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अब और इंटीग्रेशन करना है फिर से, अब मुझे बताओ फिर से फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री मान जाएगी है ना, फिर करेंगे, देखो ये तो ऐसे रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये जो माइनस कर बैठ हुआ इसे भी बाहर
चलाते रहो, अंदर कर लेते हैं। देखो पहला एज इट इज, कॉस एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन ए की पार्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन ई की पार्ट टू एक्स अपॉन में टू माइनस फोर इंटीग्रेशन, पहले वाले का डेरिवेटिव कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और बताओ एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस में आना, एक काम करते हैं पहले मैं लिख ही लेता हूँ, कॉस का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन, ए की पार्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन ए की पार्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन ई की पार्ट टू एक्स और अपॉन में टू। हाँ एक काम अब कर देता हूँ, बताओ ये माइनस बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस ना, देखो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, अब कर लेते हैं, पहले करता था थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है अब कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब इधर देखो अगर मैं 1 बाय 2 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, चलो पहले से नोट करते हैं, e की पावर 2xy इक्वल टू साइन एक्स ए की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले 2 को, ये जो अपॉन का 2 है इसको यहाँ की वाला इंटीग्रेशन से बाहर ले लूं, मतलब यहाँ पर ले लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसा क्यों का इस मतलब से जाएगा, ध्यान से देखो, फिर से देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसमें मैंने अंडरलाइन जिस पर मैंने सर्कल बना दिया है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट इंटीग्रेशन का वही पार्ट है जहां से हमने शुरुआत करी थी इस क्वेश्चन में, जहां से हमने क्या करी थी शुरुआत, तुम देख सकते हो अभी मैंने वी हैव करके जहां से लिख रखा है ना वी हैव में, वाला पार्ट देखो साइड वाला साइन एक्स ई की पार्ट टू एक्स दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ फिर से, जब मैंने वी हैव करके करा है तो मैंने ये करा है वाई सॉरी वाई ई की पार्ट टू एक्स और उस साइड लिख रखा होगा मैंने इंटीग्रेशन ए की पावर 2x sin x प्लस सी। ध्यान से देखो वहां पे जाके वी हैव वाले स्टेप में, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है, इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो, ये वाली वैल्यू, तुम देखो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पे, दोबारा इंटीग्रेशन नहीं करने वाला मैं, दोबारा इंटीग्रेशन नहीं करूंगा मैं, इसकी जगह ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डाल सकता, तो अल्टीमेटली इसकी जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी ए की पार्ट टू एक्स वाई पुट कर देंगे। तो देखो कॉस एक्स को ऐसे रहा, ए की पार्ट टू एक्स अपॉन में टू भी ऐसे रहा, प्लस वन बाय टू भी ऐसे रहा, हाँ इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो यहाँ पर इक्वेट में चल रही है, देखो वन बाय टू ए की पार्ट टू एक्स वाई प्लस सी, मैंने इसकी जगह वो वैल्यू डाल दी, बिना इंटीग्रेशन करे उसकी वैल्यू डाल दी जाएगी, और वैसे भी ये वाला क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन जितना करोगे ना उतना घूम घूम कर आता रहेगा बार बार, जब तक वैल्यू नहीं डालने वाले, एक बार तुम्हें वैल्यू डालकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है अब थोड़ा खोल लेते हैं इसको, ए की पावर टू एक्स वाई साइन एक्स ए की पावर टू एक्स अपॉन में टू, देखो माइनस वन बाय टू की मल्टीप्लाई मैं अंदर दे रहा हूँ, अपॉन में जो 2 है वो 4 हो जाएगा, 1 बाय 4 कॉस एक्स ए की पावर 2x, देखो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा 2 टू 4 और वही माइनस का 1 बाय 4 ए की पावर 2x y प्लस सी, ठीक बस इसको इतना ही छोड़ देना, जनरल सॉल्यूशन हमारा आ चुका है, वरना इसमें और इधर उधर करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर लाके इसके साथ एलसीएम ले सकते हैं, इतना ही छोड़ दो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी सॉल्व हो ही गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, डे वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। देखो ये भी हमारा सीधे ही क्या दिख रहा है, लीनियर फॉर्म, मैं हाथ के हाथ फॉर्म लिख लेता हूँ तो मैं मालूम होगा ये होती है लीनियर फॉर्म, dy अपॉन में dx प्लस p
इक्वल टू क्यू, तुम कंपेयर कर सकते हो y के साथ जो भी लिखा है वो हमारा क्या होता है p, यहाँ पर क्या लिखा है 3। इक्वल टू के साथ जो भी लिखा है वो q होता है, यहाँ पर क्या लिखा है e की पावर -2x, ये निकल आएगा। अब तुम्हें बनाना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बनाना है तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 3 है, तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x। अब तुम्हें मालूम है सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है, लिख देना वी नो दैट, ठीक है वी नो दैट करके करना। तो देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c dx प्लस c, ये होता है ठीक है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो y का ऐसे रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये निकला हुआ है e की पावर 3x, ठीक है, और q q हमारा ये है e की पावर -2x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 3x, e की पावर कितना है 3x प्लस c, ये तो काफी इजीली हो जाएगा। देखो इधर तो ये रह गया y इंटू e की पावर 3x। अब इधर तो मैं मालूम है ना बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन ये माइनस का 2 वो प्लस का 3, तो बताओ माइनस का 2 वो प्लस का 3 प्लस का 1 बचेगा ना, यानी कि e की पावर सिर्फ कितनी रह जाएगी प्लस का x प्लस c। अब इंटीग्रेशन करना बाकी है, देखो ex का इंटीग्रेशन हमारा वापस क्या हो जाएगा ex। ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, बिना आईलेट लगाए हो गया ठीक है, वरना ज्यादातर हमें आईलेट लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, dy अपॉन में dx प्लस y अपॉन में x इक्वल टू में x स्क्वायर। अब देखो इसमें भी आपको मैं फिर से कंपेयर करवाता हूं, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। वाई के साथ जो भी होता है वो हमारा क्या होता है पी, वाई के साथ जो भी लिखा हुआ होता है वो हमारा क्या माना जाता है पी। अब मुझे बताओ, देखो इधर कुछ नहीं है तो वन है ना, वाई को छोड़ दो, वाई को छोड़कर जो भी बचेगा वो सारा क्या माना जाएगा पी। तो देखो क्या बचा है 1 अपॉन x ना, इसका मतलब p की वैल्यू हमारी क्या है 1 अपॉन x। कितनी वैल्यू है p की 1 अपॉन x। देखो y को छोड़ दिया 1 अपॉन x ले लिया। अब यहां पर देखते हैं इक्वल टू के इधर जो भी होता है वो सारा q होता है, सिर्फ x स्क्वायर लिखा हुआ है तो q हमारा x स्क्वायर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना आसान है। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। तो देखो e की पावर p की वैल्यू 1 अपॉन x है ना, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है 1 अपॉन x का होता है हमारा log x, तो e की पावर क्या हो जाएगी log x, ठीक है। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि e की पावर log x, जब भी e की पावर लॉग x होता है या e की पावर लॉग y होता है या e की पावर लॉग x स्क्वायर होता है, तो जो भी ऊपर लॉगरिथम का एंगल होता है वो वैल्यू आ जाती है ना, जो भी एंगल होता है वो वैल्यू आ जाती है e की पावर। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी x, इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी y। देखो यहाँ पर लॉगरिथम का एंगल क्या है x स्क्वायर, इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर। ध्यान रखना e की पावर जो भी होता है लॉगरिथम में उसका एंगल आ जाता है, यानी कि e की पावर log x है तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू x, सिर्फ क्या मिल जाएगा x। इस तरह का फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब क्वेश्चन में e की पावर बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम्हारा x आ जाएगा केवल, ठीक है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ए की पावर लॉग एक्स, लॉग का जो भी एंगल होता है ना वो आ जाता है जब भी ए की पावर लॉगरिथम में बनती है। ठीक है, आपको मैं आगे का बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वाई के साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई क्यू के साथ प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन, अब वैल्यू डालते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई, यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा, बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स था, एक्स इनटू वाई इधर हो गया। अब देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स है और क्यू की वैल्यू क्या थी, फंक्शन हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस सी, बताओ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर प्लस सी, ये हो गया, ये भी काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, तो काफी इजी एक्सरसाइज चल रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा अलग है बट इजी है वो भी। देखो फोर्थ हमें बता रखा है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस sec x y इक्वल टू tan x, इक्वल टू हमें दे रखा है tan x। अब तुम लोग मालूम है कंपेयर करेंगे, अब तो तुम्हें याद भी हो गई होगी y के साथ जो लिखा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है p, तो p की वैल्यू sec x है और इक्वल टू के साथ जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है q, तो q हमारा tan x है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत आसान है, फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, क्या होता है फॉर्मूला e की पावर p dx, तो इधर देखो e की पावर p और p की वैल्यू क्या है sec x dx, मुझे बताओ sec का इंटीग्रेशन, sec का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये होता है log sec x प्लस tan x, यही तो होता है। अभी भी मैंने बताया था a की पावर log जब होती है तो आगे जो भी एंगल होता है वही वैल्यू आ जाती है, तो इसका अपने क्या वैल्यू आ जाएगी sec x प्लस tan x। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, a की पावर अगर logarithm है, अगर a की पावर log है तो log का जो एंगल होगा ना, जैसे कि यहाँ पर log का एंगल क्या है sec प्लस tan, तो वो एंगल बच जाता है सिर्फ अगर ए की पावर होती है तो। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया इसका। अब तुम्हें आगे का मालूम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई वाई से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई क्यू से प्लस सी डीएक्स इंटीग्रेशन। आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई वाई से, मतलब sec x प्लस tan x की मल्टीप्लाई तो वाई से इक्वल टू, अब इधर sec x प्लस tan x क्यू, क्यू हमारा क्या है tan x प्लस c। अब पहले आप अंदर हम मल्टीप्लाई देंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो हमें अंदर मल्टीप्लाई देना फिर इंटीग्रेशन, इसको ऐसे रहने दो sec x प्लस tan x इंटू वाई। अब इधर देखते हैं, देखो tan x की sec x से करेंगे sec x tan x प्लस tan की tan से करेंगे tan square x। ठीक है, प्लस c, मुझे बताओ sec x tan x का तो इंटीग्रेशन होता है सीधा, tan square का नहीं होता, तो पहले tan square को चेंज करना बहुत जरूरी है, जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे तब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसको तो ऐसे रहना था, इसका तो हुआ पड़ा है। इसका देखो फॉर्मूला बनता है, इसका बनेगा तुम्हारा sec स्क्वायर x माइनस वन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 12th क्लास में अब तक तो ये चिपक जाना चाहिए, तीन साल से पढ़ रहे पिछले ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हो गया प्लस c। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो देखो इधर तो कुछ नहीं कर रहा है, इधर ऐसे चल रहा है, इधर कोई इंटीग्रेशन का काम नहीं है, इधर देखते हैं
बताओ sec x tan x sec का डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब इसमें इंटीग्रेशन हो गया sec x प्लस sec square x होता है tan x का है ना, माइनस वन का माइनस एक्स प्लस सी, या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लेना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि वो भी लीनियर इक्वेशन है, बस वो इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे ही रखी, तो कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारा cos स्क्वायर dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल टू tan x। एक काम करते हैं, देखो मैंने बताया था जो लीनियर होती है वो इस फॉर्म में होती है dy अपॉन में dx py इक्वल टू q, ये होती है हमारी लीनियर फॉर्म। कहने का मतलब ये कि dy अपॉन में dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, dy upon में dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब dy upon में dx के साथ वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे तो cos स्क्वायर नहीं चाहिए ना, मैं dy upon में dx के साथ में जो cos स्क्वायर चिपका हुआ है वो cos स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, और जो चीज नहीं चाहिए उसे हटाना पड़ेगा। एक काम कर रहा हूं मैं, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं, cos स्क्वायर से। मुझे बताओ जब मैं इसको cos स्क्वायर से डिवाइड दूंगा तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसके साथ बेमतलब में क्या आया हुआ है cos स्क्वायर x। ठीक है, जब इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड देंगे इधर, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां तो रह जाएगा dy / dx, इसके अपॉन में तो आएगा ना cos स्क्वायर, इसके अपॉन में cos स्क्वायर आ गया, और इसके भी अपॉन में आएगा, तो इसके अपॉन में भी cos स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है, देखो dy / dx ऐसे का, मुझे बताओ ये चीज 1 / cos स्क्वायर क्या होता है हमारा sec स्क्वायर y, और वही काम इधर भी करेंगे, 1 / cos स्क्वायर की वैल्यू sec स्क्वायर x tan x। ठीक है, हाँ अब देखो, अब ये बन गई ना लीनियर फॉर्म, मुझे बताओ कंपेयर करके दोनों में p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बताओ p की वैल्यू ये बनेगी ना, तो लिखो p की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x। अब q की वैल्यू देखते हैं, इक्वल टू के सेट जो भी होता है वो सारा हमारा क्या माना जाता है q, तो q की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x tan x, q की वैल्यू क्या आ गई sec स्क्वायर x tan x। ठीक है, आपको मैं मालूम ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ा आसान होता है निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और p की वैल्यू अभी तुमने क्या बना रखी है, p की वैल्यू बनी हुई है sec स्क्वायर x dx। मुझे बताओ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी हमने यूज करा था, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक है, तो e की पावर tan x आ गया है तुम्हारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन बड़ा आसान है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू प्लस सी। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर टेन एक्स इनटू वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर टेन एक्स इनटू क्यू, बताओ क्यू फंक्शन क्या था हमारा, ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x tan x dx plus c। अब तक तो ये फॉर्म भी नहीं पहचानी तो फिर कुछ फायदा ही नहीं, इस फॉर्म को तो देखने पहचान लिया करो, अब जो निकल के आइए। मुझे बताओ अगर मैं tan को t मान लू तो डेरिवेटिव गिवन है, देखो क्वेश्चन में अगर मैं tan को यहाँ पर t मान लू तो डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा ना, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम शो नहीं करके दिखाते, पूरा डायरेक्ट काम कर देते हैं tan x y, तो मैं मालूम ही है, चलो मैं थोड़ा दिखाई देता हूं। अगर tan x को मैं यहां पर छोटा सा t मान लूं तो देखो tan का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x dx dt, तो देखो sec स्क्वायर x dx को ये रहा, इन दोनों की जगह तो आ जाएगा dt, और बीच में ये सब जगह क्या आ जाएगा t। आप और पे देखना
e की पावर टेन एक्स वाई, बताओ पर मैंने क्या माना है t, तो e की पावर t, इन दोनों की जगह पर आ गया dt और बीच में ये भी क्या आ गया t dt plus c। अभी भी देखो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तुम कौन सा लगाना पसंद करते हैं, आई रेट, और आई रेट में तुम्हें मालूम है ये होता है, आई रेट में अगर हम देख रहे हैं तो मुझे बताओ इनवर्स तो इसमें से कुछ है नहीं, लोगरिथम भी नहीं है, एलजेब्रा है, ध्यान रखना टी हमारा एलजेब्रा में आ जाता है, जैसे एक्स वाई होते हैं वैसे टी होता है, ठीक है, तो ये एलजेब्रा में आ जाता है, यानी कि टी हमारा क्या माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, तो ई की पावर टेन एक्स, तो इधर ऐसे चलाते रहो, हाँ इधर टी एज इट इज आ गया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव वन, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। अच्छा मुझे बताओ वन की तो वैल्यू है नहीं, वन तो हटा ही दो, ठीक है, हाँ ई की पावर टी का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, ई की पावर टी ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, हाँ एंड में टी की वैल्यू डाल देना, वीडियो पॉज करके टी की वैल्यू डाल देना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट सिक्स, सिक्स में भी तुम देख सकते हो हालांकि लीनियर है ये बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, x स्क्वायर log x। मुझे बताओ dy अपॉन में dx के साथ ये x प्रॉब्लम कर रहा है ना, dy अपॉन में dx के साथ जो x लगा हुआ है तुम देख सकते हो बोर्ड पर, dy अपॉन में dx के साथ जो x लगा हुआ है वो x प्रॉब्लम कर रहा है, उस x को हटाने का एक ही तरीका है, मैं पूरी इक्वेशन को कितने से डिवाइड दे दूं x से, मुझे बताओ जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये x कट जाएगा, तो ये तो है गया ये, इसके अपॉन में एक्स आ जाएगा, इसके अपॉन में भी एक्स आ जाएगा, लेकिन देखो जब इसके अपॉन में एक्स आएगा, सपोज यहाँ पर एक्स आएगा तो ऊपर एक्स की पावर टू है, नीचे एक्स की पावर वन है, एक कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट, तो एक्स लो एक्स एक्स बचेगा ना, कोई डाउट तो नहीं ना, आप तुम बिना लिखे कंपेयर कर सकते हो सीधा, बताओ पी की वैल्यू ये है ना, वाई को छोड़कर जो भी बचता है वो हमारा पी होता है, y को छोड़कर बच रहा है 2 अपॉन x, तो 2 अपॉन x हमारा p है, इक्वल टू के साइड जो भी होता है वो q होता है, तो x log x हमारा q है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं, तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, ठीक है, तो देखो e की पावर p, e का मतलब है 2 अपॉन x, मैंने 2 हाथ के हाथ बाहर कर दिया, 1 अपॉन x अंदर ले लिया ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाए, अब तो हमें मालूम है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो मैं ये भी मालूम होगा आगे जो वैल्यू लिखी हुई होती है log के वो पावर बन सकती है ना, तो मैं ये बात अच्छे से मालूम है आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो एंगल की क्या बन जाती है, पावर, ये फॉर्मूला होता है, मैं इंडिकेट कर देता हूं, अगर एन लॉग एक्स होता है तो लॉग एक्स की पावर कितनी बन सकती है, एन, ठीक है, तो वो पावर बन जाती है, तो मैंने टू बना दिया, और तुम्हें ये भी मालूम है अगर ई की पावर लॉगरिथम है तो फाइनल वैल्यू वही आती है जो लॉग का एंगल होता है, तो लॉग का एंगल है एक्स स्क्वायर, तो फाइनल वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर आ गई, ये क्वेश्चन इस तरह का तो अभी कर रही है आज स्टार्टिंग में, तो आगे का सॉल्यूशन तुम्हें मालूम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई वाई से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई क्यू से, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, आप वैल्यू डाल दो, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है एक्स स्क्वायर, वाई ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू डाल देते हैं, क्यू हमारा एक्स लॉग एक्स है प्लस सी, हाँ अब इंटीग्रेशन करना है, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये क्यूब हो जाएंगे ना,
एक्स क्यूब हो गया। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन, और तुम्हें तो मालूम है दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम आईलेट लगाते हैं, और आईलेट में देखो इनवर्स, इनवर्स तो कोई है नहीं, लोगरिथम, लोगरिथम है इस बार, तो लोग हमारा क्या माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, लोग हमारा क्या माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर माइनस पहले का डेरिवेटिव लोग तो हो गया वन अपॉन एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री का हो गया एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर, ठीक है डी एक्स प्लस सी। मुझे बताओ ये फोर में बाहर कर दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये वाला फोर में यहाँ की बजाय बाहर कर रहा हूँ अपॉन में फोर आ गया, जो यहाँ पे अपॉन का फोर था ना तो मैंने हाथ क्या क्या कर लिया बाहर कर लिया। और एक चीज देखो ऊपर x की पावर 4 है नीचे x की पावर 1 है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मैं यहीं पे x की पावर 3 कर दूं, ये हो गया x की पावर 3, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, log x x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन 4, देखो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में 4, तो वो 4 जो कितने हो गए 16, मैंने बाहर बना दिया 16। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कर दिया x की पावर 4, और जो अपॉन में 4 आ रहा था वो मैंने हाथ के बाहर वाले से मल्टीप्लाई दे दिया, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x log x dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल टू 2 बाय x log x, 2 बाय x log x। देखो मैंने पहले बताया था dy अपॉन में dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, dy अपॉन में dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ है तो उससे ही डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड देने वाला हूँ, x log x से। देखो जब x log x से डिवाइड दूंगा तो x log x हट जाएगा, जैसे मैं इसमें से x log x डिवाइड देने वाला हूँ तो x log x हट जाएगा, तो देखो फिर इस टाइम में मुझे मिलेगा dy अपॉन में dx, लेकिन x log x इसके अपॉन में आ जाएगा x log x, और देखो इसके अपॉन में भी आ जाएगा 2 अपॉन में x log x अपॉन में x log x। बताओ एक चीज कट गई ना, सिर्फ क्या कटा, log x से log x गया, क्योंकि x x कट नहीं सकता बल्कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हें ये मालूम होगा इस तरह की बातें ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो देखो x की x से मल्टीप्लाई होगी, कटेगा नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 अपॉन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर देखते dy अपॉन में dx प्लस y x log x। अब तुम्हें मालूम है जो p होता है y को छोड़कर सारा, मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ये वाली वैल्यू ये पूरी की पूरी क्या है हमारा p, तो 1 अपॉन में x log x, और इक्वल टू के इधर वाला पार्ट होता है q, तो 2 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें तो मालूम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है, e की पावर p डी एक्स, e की पावर क्या होती है p डी एक्स, तो देखो e की पावर p डी एक्स, p की जगह मैं डाल रहा हूं 1 अपॉन x log x dx। देखो बोर्ड पर log x को अगर तुम t मानोगे, अगर log x को t मानते हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x क्वेश्चन में गिवन है, अगर log x को t मानते हो तो 1 अपॉन x गिवन है ना, यानी कि कुल मिलाकर देखो जब तुमने log x को t मान ही लिया है तो ये फॉर्म बन जाएगी ना 1 अपॉन t, तो सोचो अगर log x को t मान लिया तो log x की जगह तो आ गया t, यानी कि 1 अपॉन t, ठीक है। और जब 1 अपॉन x dx है उस पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt, तो मैं दिखाने की जरूरत नहीं है केवल मान लिया करो, तो ये बन जाएगा e की पावर log t, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t।
अब देखो पर अपन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, एंड में टी की वैल्यू डाल देना। देखो टी माना था तुमने यहां पर लॉग एक्स, तो मैंने टी की जगह वैल्यू डाल दी। टी यही तो मान रखा था, ये वैल्यू तो मानी थी टी, लॉग एक्स को तुमने क्या माना था टी, तो टी की जगह लॉग एक्स डाल दिया। अब तुम्हें मालूम ही है जब भी ई की पावर लॉगरिथम होती है, जब भी ई की पावर लॉगरिथम होती है तो लॉग का जो एंगल होता है वही फाइनल आंसर आता है, वही हमारा क्या आता है फाइनल आंसर। अब तुम्हें सॉल्यूशन पता है क्या बनता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dx प्लस c। ठीक है, अब तुम्हारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है और q भी है, तो देखो y तो y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x। q q हमारा था मेरे ख्याल से, क्यों ये था टू अपोन में एक्स स्क्वायर, टू अपोन में एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। देखो टू कॉन्स्टेंट से बाहर कर दो, टू की जरूरत हमें नहीं है, टू बाहर गया, ये बचा वन अपोन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। देखो दो फंक्शन है हमारे सामने, है ना, हमारे सामने कितने फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, दो फंक्शंस, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो जनरली हम क्या लगाना पसंद करते हैं, आई लेट। आई लेट में तुम्हें मालूम ही है लॉगरिथम पहला फंक्शन बन जाएगा, मैं इंडिकेट कर देता हूँ आई लेट। देखो इनवर्स तो कोई है नहीं, लॉगरिथम यानी कि लॉग हमारा क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन बन गया। अब लॉग अगर हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो देखो ये तो रह गया y log x 2। अब अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, पहला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक, देखो ये 1 अपॉन x स्क्वायर है, अगर मैं 1 अपॉन x स्क्वायर को ऐसे लिख दूं x की पावर -2 तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं मालूम ही है जब कोई पावर अपॉन में होती है तो उसको सीधा लिखते हैं तो वो -2 बन जाती है पावर। अगर 1 अपॉन x की पावर 10 है तो वो क्या हो जाएगी, x की पावर -10। तो मैंने 1 अपॉन x की पावर 2 को क्या लिख दिया, x की पावर -2। अब इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, देखो पहला वाला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 में -1 -1 है ना भाई, पावर में क्या करते हैं +1 कर देते, -2 में +1 करोगे -1 और उसी से डिवाइड दे देगी नीचे माइनस। होल इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, मुझे बताओ लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का ये भी करा था एक्स की पावर -1 अपॉन में -1 डीएक्स प्लस सी। ब्रैकेट क्लोज, तो देखो वाई लोग एक्स ऐसी रहा, टू भी ऐसी रहा। हाँ एक्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस में आगे लेकर आ रहा हूं माइनस लो। ठीक है, और एक्स की पावर जो -1 है, देखो एक्स की पावर जो -1 है उसे मैं अपॉन में कर रहा हूं, अपॉन में मैं नीचे दिया आया, चलो मैं यहीं पे दिखा देता हूं, एक्स की पावर -1 है मैंने उसे अपॉन में कर लिया 1 अपॉन एक्स। अब इधर देखते हैं माइनस, देखो पहले ये माइनस जो बाहर रखा हुआ है इस माइनस से मैं अंदर प्लस कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस। अब देखो नीचे भी एक्स है 1 अपॉन एक्स, और तुम्हें मालूम है एक्स की पावर जो -1 होता है वो भी क्या होता है 1 अपॉन एक्स ही होता है प्लस सी। अभी एक बार इंटीग्रेशन और करना बाकी है ना, देखो माइनस लॉग एक्स, ये जो अपॉन का एक्स है मैंने अपॉन भी लिख लिया प्लस, ये तो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन बाकी है इसका। अच्छा देखो अगर इंटीग्रेशन करना ही है तो क्यों ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं फिर से क्या लिख लूं, एक्स की पावर -2। अगर एक्स की पावर -2 लिख लेंगे तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है इस वाले पार्ट का, वाई लॉग एक्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स, हाँ इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन में -1 प्लस सी। हाँ इस माइनस से तो ये हो गया माइनस, और जो एक्स की पावर -1 है उसको बना देना अपॉन का। ठीक है, बस इसको इतना छोड़ सकते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं 8 क्वेश्चन, और मुझे बताओ ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर तो हमें डेरिवेटिव भी नहीं दिख रहा है क्लियर। सो पहले तो हमें dy / dx ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो वो भी नहीं दे रखा। तो एक काम करते हैं, तुम्हें मालूम ही है इस वाले टर्म को मैं उधर लेकर जाऊंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई को इधर ही रहने दो, ये प्लस की टर्म है उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। बोर्ड पे देखो ये है तुम्हारा cot x dx, ये टर्म पूरी की पूरी इधर आके क्या हो जाएगी माइनस 2xy dx। अब मुझे बताओ दोनों में से dx और dx कॉमन आ रहा है, मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं cot x माइनस 2xy, बाहर चला गया dx, और यहां पर क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं dx को इधर ले आते हैं ताकि मुझे फॉर्म मिल जाए। देखो अब dy के अपॉन में ये dx आ गया, अब मुझे डेरिवेटिव मिल रहा है ना थोड़ा सा, ये मिल गया। और एक काम करो y वाली टर्म इधर हो लिया, अभी पता चल जाएगा क्यों लाए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टैंडर्ड बन जाए, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए। अब देखो थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है, ये y, ये q, ये डेरिवेटिव, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है ना, मैंने बताया था dy / dx के साथ जो भी चिपका हुआ होता है उसी से डिवाइड दे दिया करो पूरे को, dy / dx के साथ जो भी लगा हुआ होता है ना उसी टर्म से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो डिवाइड। तो डिवाइड कर देते हैं, तो मैं मालूम है जैसे मैं इस पूरी इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हट जाएगा। तो देखो अगले स्टेप में मुझे मिलेगा dy / dx प्लस, मैंने इधर भी डिवाइड करा है। देखो जब मैंने सारे टर्म को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करी है तो देखो यहां से तो हट गया, इसके लिए अपॉन में आ गया और इसके भी अपॉन में आ गया, ठीक है। मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, इसके भी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके भी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके भी अपॉन में, इसके अपॉन में रखा था वो कट गया, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, अब तुम्हें ये बिल्कुल एक्जैक्टली लीनियर फॉर्म में दिख रही है। देखो कंपेयर करने पर तुम्हें पता चल जाएगा p की वैल्यू वो होती है y को छोड़कर, तो p की वैल्यू मुझे क्या पता चल गई 2x / 1 + x स्क्वायर, और इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू होती है q, तो q के बारे में पता चल गया cot / 1 + x स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e की पावर p dx, तो देखो e की पावर p dx, p का मतलब है ये 2x / 1 + x स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा तुम्हें ये फॉर्म पता चलनी चाहिए 1 + x स्क्वायर, अगर तुम 1 + x स्क्वायर को t मानते हो, अगर 1 + x स्क्वायर को t मानते हो तो देखो 1 + x स्क्वायर को अगर t मान लेंगे तो 1 का 0 x स्क्वायर का हो गया 2x, dx का हो गया dx dt। मुझे बताओ ये फॉर्म ऊपर बनी बनाई है ना, इसका मतलब e की पावर इन दोनों की जगह तो आ जाएगा dt, और ये नीचे जो मैंने माना है t, और इसका इंटीग्रेशन तो मैं मालूम है 1 / t का होता है log t, हाँ t की वैल्यू डाल दो ना log 1 + x स्क्वायर। मैंने बताया था अगर e की पावर लॉगरिथम होती है, अगर a की पावर लॉग होती है तो लॉग का जो एंगल होता है वही फाइनल आंसर आता है, तो लॉग का एंगल है 1 + x स्क्वायर, वही तुम्हारा आंसर निकलेगा 1 + x स्क्वायर यहां से। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन का फार्मूला तुम्हें मालूम ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q + c। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो रहा 1 + x स्क्वायर y, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ क्यू क्यू हो रहा कोट अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं एक टर्म कटती हुई दिख रही होगी, ये वाली टर्म इससे गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। मुझे बताओ सर क्या रह गया था कोट, और कोट का इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है कोट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन,
लिख दो log sin x plus c, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी यहीं पे सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी तक क्या था, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर की, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर की ये, तुम्हें एक बात तो समझ में आई गई होगी, यहाँ पर जो फंक्शन मिलता है क्यू, यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो क्यू, वो हमेशा किसका होता है, एक्स का होता है, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वाई की वो सिर्फ क्या होती है, वाई। लेकिन अब देखो यहाँ पर तो मिक्सअप हुआ है ना, यानी कि मुझे वाई वाला सेपरेट करना है और एक्स वाला इधर पहुंचाना है, ठीक है। तो मुझे बता दो जिस जिसमें एक्स है, ठीक है, थोड़ा तरीके से काम करना है क्योंकि गड़बड़ भी हो जाएगी। जिस जिसमें एक्स है और वाई है तो उधर तो सिर्फ एक्स ही होना चाहिए, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर ही रहने देंगे। मैं एक काम कर रहा हूँ, प्लस का वाई इधर ही छोड़ रहा हूँ और ये जो एक्स वाई है ये भी इधर ही छोड़ रहा हूँ, सिर्फ क्या पहुंचा रहा हूँ उधर, माइनस का एक्स उधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब पता चल जाएगा ऐसे क्यों कर रहा है। देखो खास बात है क्या, खास बात ये कि यहाँ पर तो थोड़ा बहुत तो एक्स और वाई चल सकता है लेकिन वहां पर सिर्फ एक्स ही होना चाहिए। एक्स के चक्कर में अगर तुम इस टर्म को भी वहां पर भेज देते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो एक्स के टर्म में क्या क्या चला जाएगा, वाई भी चला जाएगा, वाई भी जाना चाहिए इधर, तो एक्स भी चल जाएगा वाई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर दोनों भी चल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में तुम्हें क्या फंक्शन चाहिए, सिर्फ एक्स का ही चाहिए। अगर तुम एक्स को ध्यान में रखते हुए इस टर्म को भी उधर भेज दोगे तो उसके साथ साथ तुम्हारा क्या चला जाएगा, वाई, वाई उधर नहीं जाना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी, वाई जाएगा तो रुक जाएगा क्वेश्चन, आगे जाके इंटीग्रेशन में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यहाँ पर तो दोनों चल जाएंगे, वहां पर नहीं चल सकते, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों वैल्यू चल जाती है वेरिएबल की, एक्स भी और वाई भी, वहां पर नहीं चल सकती। आप देखो इसमें से एक चीज कॉमन ले रही है और तुम्हें मालूम है क्या कॉमन लेना है, वाई, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस, देखो जब मैं वाई कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स मिलेगा ना, देखो यहाँ से तो वाई गया यहाँ से वाई गया, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और जो वाई था वो मैंने बाहर लिख लिया ताकि तुम्हें थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाई दे। अब कुछ स्टैंडर्ड सा लग रहा है, अब ये फॉर्म कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले ही लग रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले इसमें देखो एक काम और करना है, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स के साथ क्या नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, तो इस एक्स को हटाना है, इस एक्स को हटाना है, और इस एक्स को हटाने का एक ही तरीका है, पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड दे दूंगा, एक्स से, ठीक है। तो देखो अगर इसका हमें ये मिल जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन में एक्स वाई, और एक्स से एक्स यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 1। देखो पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड दे दिया, एक्स से, यहाँ तो एक्स एक्स कर दिया, डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसके अपॉन में क्या आ गया, एक्स, इसके अपॉन में भी जो एक्स आया होगा तो एक्स एक्स कर जाएगा, तो वहां पर वैल्यू रह जाएगी 1, ठीक है। तो तुम देख सकते हो उधर इसकी वैल्यू रह गई है 1। आप देखो जब हम इस, हालांकि थोड़ी अजीब सी लग रही है स्टैंडर्ड, लेकिन यही है, आप तुम कंपेयर करोगे तो मुझे बताओ पी की वैल्यू ये होती है ना जो वाई के साथ होता है, तो पी की वैल्यू मुझे मिल गई 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन में एक्स, और क्यू की वैल्यू वो होती है जो इक्वल टू के साइड होता है, तो क्यू की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन टी डी एक्स, अब मैं पी की वैल्यू डायरेक्ट डाल रहा हूं, 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। मुझे बताओ ऊपर एलसीएम अलग अलग कर सकते हैं ना, मैं एक्स 1 के अपॉन में भी लगा रहा हूं और एक्स कोट एक्स के अपॉन में भी लगा रहा हूं, तो बताओ कोट एक्स वाले में तो कट जाएगा ना, ये वाला एक्स एक्स गया। मुझे बताओ अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का तो होता है लोग एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, 1 अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है लोग एक्स, और कोट एक्स का क्या होता है, कोटेक्स का भी मैंने यूज भी करा था पिछले क्वेश्चन में, लॉग साइन एक्स, क्या होता है लॉग साइन एक्स। तो बताओ कोट का ही तो करूंगा, एक्स से तो एक्स कट ही गया, कोट बचा था, कोट का हो गया लॉग साइन एक्स।
आप तो मैं मालूम है जब दो लॉगरिथम होती हैं और प्लस में होती हैं तो उनके एंगल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब एक्स साइन एक्स, यही तो होता है। और तुम्हें तो ये भी मालूम है एक्सपोनेंशियल की पावर अगर लॉग है, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर लॉग है तो जो लॉग का एंगल होता है वही फाइनल आंसर होता है। तो फाइनल आंसर हमारा एक्स साइन एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये। अब सॉल्यूशन तुम्हें मालूम ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वाई से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्यू से, इंटीग्रेशन प्लस सी। आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स साइन एक्स वाई से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स साइन एक्स, और क्यू कितना है हमारा, क्यू की वैल्यू तो वन ही थी, देख लो चाहे क्यू का फंक्शन जो आया था वो वन था, तो वन लिखू या ना लिखू, लिख ही नहीं रहा मैं, प्लस सी। अब तो मैं मालूम है इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बीच क्या लगाना पड़ेगा, आईलेट। हाँ आईलेट में मैं तुम्हें तो बता देता हूँ फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे। देखो आईलेट में इनवर्स तो इसमें है नहीं, लॉगरिथम भी नहीं है, हाँ अलजेब्रा जरूर है, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा एक्स। इसमें आईलेट लगा देना, आईलेट लगाने के बाद हो जाएगा, वीडियो पॉज करके से कर लो।